देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर की गूंगी बैरी सरकार है, आज हमने एक प्रतीक के तौर पर सभी विद्यार्थियों ने आज काली पट्टी बांध रखी है। जिस प्रकार से 2019 के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम जो है 10+2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट 100% जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन से करेंगे, जिसके विरोध में लगातार छात्र सड़कों पर उतरा हुआ है। हम लोग तब से अभी तक आंदोलन करते आ रहे हैं और हमारी बात को ना जम्मू कश्मीर का प्रशासन सुन रहा है, ना हमारी जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी वो सुन रही है। हमारी स्पष्ट मांग है कि आप 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए 10+2 लेक्चरर की, टीचरों की, और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए। और जो आज विद्यार्थी, चाहे वो बीएड का विद्यार्थी है, मास्टर्स करा हुआ विद्यार्थी है, एमफिल का विद्यार्थी है, पीएचडी का विद्यार्थी है, यदि स्कूल एजुकेशन के अंदर 10+2 के अंदर रिक्रूटमेंट ही नहीं आएगी, आज भारत के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हमारे यहाँ बीच में आई है, जिसके अंदर क्लस्टर्स की बात की गई है, यदि आज का पढ़ा हुआ विद्यार्थी को ही आप लेक्चरर टीचर नहीं बनाओगे तो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है, सभी छात्रों की स्पष्ट मांग है कि 80% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए, और जो सैक का आर्डर जो लिया गया है उसको रिवोक जम्मू कश्मीर की सरकार को करना चाहिए। जब तक इस आर्डर को रिवोक नहीं किया जाएगा, छात्र इसी प्रकार से सड़कों से उतरता रहेगा। और आने वाले समय के अंदर मैं जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को यह चेतावनी देता हूं कि आने वाले समय के अंदर यदि इस आर्डर को रिवोक नहीं किया गया, पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की सरकार होगी।